जमशेदपुर एक्सलराइज अपने 75वें साल का प्लेटिनम जुबली मना रहा है। We, at least the boys, always had a passion for dinky toys, for cars. And not just the boys, even the girls for the matter, but I guess most of the younger boys in our generation had a thing for dinky toys for cars. And I also had several. The difference was that many of the others, when they grew up, they discarded them. I didn't grow up, I still have many of them. And I have a few, well, normal cars also. गौतम सेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एफ आई बी ए और प्लस बीबीसी वर्ल्ड जो न्यूज चैनल है उसमें टॉप गियर के बहुत बड़े एडिटर बोले या उस प्रोग्राम के हेड थे। तो हम आपसे बात करना चाहते हैं कि सर एक्सलराइज जो आज अवार्ड दिया उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मैं तो बोलूंगा कि जो मुझे पहले जब यार न्यूज़ आया जो मुझे अवार्ड देने वाले हैं मैं थोड़ा बहुत ही शौक है क्योंकि मेरा जो काम है मैं जो कर रहा हूँ वो मैनेजमेंट से बहुत ही दूर है। मैनेजमेंट भूल ही गया हूँ अभी। अच्छा, मैंने जो पहला 3-4 साल मारुति में काम किया था, इंडियन में काम किया, वो कनेक्टेड था। उसके बाद मैं जर्नलिज्म पे चले गया, मैगजीन लॉन्च किया, बीबीसी डॉक्टर में काम किया और अभी फीवा जो है वो गाड़ी के यूनिट्स के साथ काम करते हैं, ये इंटरनेशनल फेडरेशन, ये तो मैनेजमेंट का कोई कुछ बात ही नहीं है। जिससे मेरे जब पहला सब न्यूज मिला, मुझे जो ई मेल आया कि जो आपको कंग्रेचुलेशन मिला मुझे कैसे मिला, तो फिर उसके बाद फिर एक्सप्लेन किया कि ये एलाइड फील जो कह रहे हैं जो न्यूज अवार्ड दे रहे हैं उसमें मेरा नाम पहला आया। तो उसके बाद तो मैं बहुत ही प्राउड हूँ क्योंकि मैं तो एक्सलराइज हूँ, मेरा अभी तक ये मैं आ रहा हूँ एक्सलराइज छोड़ने के बाद ये सेकंड टाइम आ रहा हूँ। जब बीच में आई पर नहीं आया जब एजुकेशन आई है तो आना ही चाहिए। सर आपका हम सुन रहे थे कि आपने बच्चे में कार देखा और कार करने कार वाली डिजाइन करने के और टॉप गियर इतने बड़े न्यूज चैनल में आपका प्रोग्राम चल रहा है, तो आने में सवाल है सर कि आने वाला सर ऑटो इंडस्ट्री टॉप गियर खत्म हो जाए ईवी में कन्वर्ट हो जाए, क्या सही है? हाँ, अभी सही नहीं है। ऐसा है कि जो ईवी जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है, उसका पॉपुलरिटी इंडिया में तो थोड़ा कम बोलूंगा, यूरोप में है, चाइना में तो बहुत ही बहुत अच्छा। चाइना में क्या बोलूँ, 60% जो मार्केट है वो इंडिया का मार्केट है, यूरोप में अभी 15% का है बस। पर क्या है, बहुत वो ग्रोथ था बढ़ रहा था, ये लास्ट ईयर में उसका ग्रोथ लेवल हो गया। तो मुझे लगता है कि जो ईवी और 15-20-25% तक जाएगा उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, और जो बाकी जो है 70-75% जो 80% का जो मार्केट रहेगा वो पूरा पेट्रोल नहीं बोल चुका हाइब्रिड का, तो गाड़ी जो इलेक्ट्रिक मोटर पेट्रोल के साथ सर हाइड्रोजन सर हाइड्रोजन सीएनजी क्या ये अपना स्थान बना सकेगा? सीएनजी का तो स्थान है, थोड़ा कुछ स्थान है, पर सीएनजी का स्थान जो है सीएनजी का प्रॉब्लम है कि जो वो क्या है सिटी में कॉन्सेंट्रेट होगा, दिल्ली में मिलेगा या कलकत्ता में मिलेगा, सब जगह को डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम रहेगा तो सीएनजी नहीं चलेगा मुझे लगता है। हाइड्रोजन जो है वो अभी नया टेक्नोलॉजी, उसको देखना है। अभी इस पैरिस में ये ओलंपिक्स के लिए 3000 नया हाइड्रोजन टैक्सी टोयोटा ने डाला है, प्योर एक्सपेरिमेंट है, किसी को सेल नहीं किया है, वो लीज पे दिया है, वो ट्राई कर रहे प्रॉब्लम यह है कि जो एडवांटेज है कि बढ़ने में 5-10 मिनट तक वो एडवांटेज है, और जो मशीन है मशीन है उसका खर्च है $3 billion। ऑपरेशन कॉस्ट बहुत है, रिसर्च में भी बहुत अधिक पैसा लगता है, बहुत ही ज्यादा है, इसलिए अभी तक मुझे बड़े 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 प्लेयर ही मार्केट में। सर आपसे अंतिम सवाल, क्योंकि आप एडिटर भी हैं,
प्रेस से भी जुड़े हुए हैं, डिजिटल वर्ल्ड जो अभी पूरा बूम है, आने वाले समय में क्या भविष्य रहेगा यूट्यूब का, फेसबुक का? माने जो मैं तो वो पुराना स्टाइल प्रिंट मैगजीन चलाता था, पूरा भी खत्म हो गया है। अभी इंटरनेट में अभी ऑनलाइन मैगजीन चल रहा है, अभी यूट्यूब और पॉडकास्ट का फ्यूचर आ रहा है। टीवी का भी जो शो है, टीवी का भी शो भी बीबीसी को नाम के भी अभी खत्म हो गया है। बीबीसी देखे चल वो सोशल मीडिया पे आते हैं, एग्जैक्टली मीडिया पे मेरे लगता है कि यूट्यूब और पॉडकास्ट का पूरा फ्यूचर है। सर इंडिया का क्या ग्रोथ होगा ऑटोमोबाइल और सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया में? इंडिया तो इंडस्ट्री तो ग्रोथ और भी बहुत, कहते हैं कि जो गाड़ी में नंबर 4 है नंबर 5 है, मैं गाड़ी में नहीं मानता हूँ, मैं बोलूँ कि जो आप पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखें, गाड़ी मोटरसाइकिल सब कुछ मिलकर हम नंबर 2 है चाइना के बाद, अमेरिका से ज्यादा है, क्योंकि हमारा 2 मिलियन से और गाड़ी मिलकर 26-27 मिलियन का कैपेसिटी है। अमेरिका में बस 18 मिलियन गाड़ी बनाते हैं, बस हमारे से पीछे है। हमारे हमारे लिए इंडिया में ऑटो इंडस्ट्री ऑलरेडी बूम, नंबर 2 ऑफ द वर्ल्ड और बूम है। फाइनली हमको चाइना को बीट करना है। थैंक यू सर, आप जैसे हमारे चैनल में आकर अपनी कीमती समय दें, इसके लिए धन्यवाद। कभी भी जमशेदपुर आइएगा तो आपका फ्री वर्ड हमारे चैनल में जरूर होगा। धन्यवाद, जोहार।